सुबह सुबह इतना शोर शराबा किस बात का था? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। तुम उससे छुपाओगी? तुम मैं भी तुम्हारी तरह इस घर में पिस रही हूं। अरे नीनी, वो बस आंटी ने सुन लिया था। वो क्या सुन लिया था? एक्चुअली मैं जायरा के घर गई थी ना उससे मिलने। कराची गई थी साथ के साथ? जी भाभी, इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं, वो साथ को जानती नहीं है ना, तो किसी अनजान शख्स के साथ इतना लंबा सफर थोड़ा रिस्की नहीं है? अरे नहीं नहीं भाभी, साथ तो बहुत अच्छा लड़का है, इतना फ्रेंडली है कि मैं आपको क्या बताऊं। ना प्रोटेक्टिव है, और यकीन माने कि बात करते हुए मुझे उससे बिल्कुल भी नहीं लगा जैसे मैं जानती नहीं हूं। एक ही दिन में इतनी जान पहचान? सॉरी, क्या मतलब? मैं तो मजाक कर रही हूं, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती? हाँ, शहजाद कहाँ थे तुम? मैं तो तुम्हारे दिल में होता हूँ। मैंने सीरियसली पूछ रही हूँ, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान रही हूँ रात भर? तुम्हारा नंबर भी बंद जा रहा था, कॉलेज जाने का बिल्कुल मेरा दिल नहीं था, सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ। तुम्हें पता है मैं अभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी जूनी मेरा इंतजार कर रही हो। नंबर क्यों बंद है तुम्हारा? अरे यार, कल रात को ऑफिस से लेट उठा था, कुछ लुटेरों ने गन पॉइंट पे मेरा फोन और बटुआ दोनों छीन लिए। शुक्र है तुम्हें कुछ हुआ नहीं। अपनी जान की परवाह नहीं थी मुझे, लेकिन तुमने मुझे वो गिफ्ट मेरी बर्थडे पे दिया था, वो छीन के ले गए। हमारी काफी हाथापाई भी हुई। पागल हो तुम शहजाद, ऐसे लुटेरों का कोई भरोसा नहीं होता, तुम्हें जान से मार देते तो। अगर मेरी जान भी चली जाती ना, तब भी मुझे इतना दुख नहीं होता। शहजाद, गिफ्ट का क्या है, मैं तुम्हें फिर से दे दूंगी। नहीं बस, क्योंकि बर्थडे गिफ्ट था ना, इसलिए मैंने ले लिया था। मैं खुद ही ले लूंगा। कब लोगे? जब सैलरी मिलेगी। और सैलरी कब मिलेगी? 5 तारीख तक शायद मिल जाएगा। नहीं शहजाद, मैं नहीं रह सकती, मेरा दिन कैसे गुजरेगा तुमसे बात किए बगैर? मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारे लिए फोन लूंगी और तुम्हें लेना पड़ेगा। जूनी, अच्छा नहीं लगता यार। तुम शहजाद अच्छा नहीं लगता, हम दोनों अलग थोड़ी हैं, तो फिर ऐसे फॉर्मेलिटीज क्यों? अच्छा बाबा, नहीं होता फॉर्म। खुश चले। भाभी भाभी, वो आपको पता है जूनी किस कॉलेज में पढ़ती है? तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही? ऐसे तो तुम नहीं पूछ सकती, यकीनन कोई वजह है। हाँ, वो अलग बात है, तुम मुझे बताना नहीं चाहती। भी वो मैंने सोनी को किसी लड़के के साथ देखा। क्या जी? और उससे पहले भी एक दफा मैं उसे बात करते पकड़ चुकी हूँ, उसी लड़के से। तो ये बात तुमने आंटी को क्यों नहीं बताई? जी जी मैंने उन्हें बताई थी ये बात, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आया मेरी बात का, और असद को भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए मुझे बस एक सबूत चाहिए ताकि मैं ये बात प्रूव कर सकूं। तो तुम क्या करोगी? मैं सोच रही हूँ मैं सोनी के कॉलेज जाकर ये पता करूँ कि सोनी कितना रेगुलरली कॉलेज जाती है और कितनी दफा उसने बंक किया। इससे इस बात का सबूत मुझे मिल जाएगा और असित को भी मेरी बात पर यकीन हो जाएगा, भले फिर उसके बाद वो सोनी को प्यार से समझाएं या डांट कर। लेकिन भाभी आप समझ रही हैं ना, जूनी के बढ़ते कदमों को रोकना बहुत जरूरी है, वरना कुछ बहुत गलत हो जाएगा।
बताएंगे मुझे उसके कॉलेज का क्या नाम? हाँ, शायद उसने मुझे कभी बताया होगा, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। आप प्लीज मुझे पूछकर बता देंगी? मैंने पूछा तो जूनी और आंटी दोनों खटक जाएंगी और हो सकता है मुझसे वो नाराज भी हो जाए, तो प्लीज। हाँ हाँ, मैं नबील से पूछती हूँ, उन्हें पता होगा। ये हमारे घर की इज्जत का मामला है, हम लापरवाही नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू, यू आर अ लाइफ सेवर। मैं किचन से होकर आती हूँ। क्या समझती है, मेरी बेटी की जासूसी करोगी उसके कॉलेज जाकर? तुम्हें क्या लगता है उसके आगे पीछे कोई नहीं? हाँ, अभी क्या? रुमी, रुमी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने क्या किया है? आपने रुमी का हाथ जलाया, मैंने देखा है। इसने मेरा दिल जलाया है। ये मेरी बेटी पर इल्जाम लगाती है, उसे पूरे घर में बदनाम करती फिर रही है। मैं इसके साथ इससे भी बुरा सलूक करूंगी। खबरदार, जो मेरी बहन को हाथ में लगाया तो। अगर इतनी चहेती है ना, तो इसे लेकर जाओ अपने घर। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसी लड़की को अपने घर में रखने का। फसादन, लेकर जाओ इसे। हाँ, यही करूंगा। भाई को आना होगा तो वो घर आकर बात कर लेंगे। मैं तुम्हें यहाँ एक सेकंड भी नहीं रहने दूंगा। हाँ हाँ, जाओ भी जाओ। आइए सरताज, आइए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया, क्योंकि आज से पहले ऐसा इस्तकबाल कभी नहीं हुआ। कभी तो अच्छा बोला करो यार। मैं वजह जान सकता हूँ इतना क्यों चहक रही? वो आंटी ने ना रूमी का हाथ जला दिया। क्या? तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है माहिन? इसमें खुश होने वाली बात ये है कि ये सब कुछ उसके भाई के सामने हुआ और उसका भाई उसे लेकर चला गया। तो सीरियसली, मुझे इसमें भी कोई खुश होने वाली बात नजर नहीं आ रही। ना तो मैं इस बात पर खुश हूँ कि आंटी ने उसका हाथ जलाया, और ना ही मैं इस बात पर खुश हूँ कि वो इस घर से चली गई। मैं तो बस खुश हूँ कि अब वो आंटी की गुड बुक पर नहीं रही। हाँ, तुम सीरियसली कभी कोई बात सीधी तरह नहीं बताओगी? क्यों पहेलियां बुझवा रही हो, बता दो क्या बात हुई। सिंपल सी बात है, रूमी ने जूनी पर झूठा इल्जाम लगाया। कैसा इल्जाम? यही के के जूनी का अफेयर किसी लड़के से चल रहा है। What? क्या बेहुदा इल्जाम है ये, उन्हें सोच तो लेना चाहिए था। हाँ, इसी बात पर आंटी को शदीद गुस्सा आया। अब देखे ना, गलती है ना रूमी की, क्या जरूरत थी उसे जूनी बिचारी पर इल्जाम लगाने की। आंटी ने गुस्से में आकर गरम गरम चाय उसके हाथ में डाल दी। रूमी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मैं रो तो नहीं रही। झूठ मत बोलो, तुम्हारी आवाज से साफ लग रहा है कि तुम रो रही हो। क्या हुआ? मम्मी भी खफा हो रही थी कि तुम यूं चली गई, तुमने मुझे भी नहीं बताया। मुझे हारिस भाई लाए। देखो, मैं जानता हूं हारिस की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन तुम सिर्फ उसकी बहन नहीं हो, इस घर की बड़ी बहू भी हो। अपनी जिम्मेदारियां समझने की कोशिश तो करो। असल में अपनी जिम्मेदारियां समझती भी हूँ और निभाती भी, लेकिन आपको पता है आज मेरे भाई के सामने आंटी ने मेरा हाथ जला दिया। क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अम्मी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ?
था नहीं, लेकिन ये सब सच भी नहीं लग रहा मुझे। सदा आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, आप मुझे बताएं। पता नहीं रूमी, लेकिन बात मानने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। हर सांस पे एक एहसान लिया, मैं क्या हूँ ये पहचान लिया। रूमी से बात हुई है मेरी। अच्छा किया बात हुई तुम्हारी। क्या कह रही है आने का? उसने कहा कि आपने उसका हाथ जलाया। अल्लाह, इतना बड़ा झूठ बोल दिया उसने। मैं क्यों हाथ जलाऊंगी उसका? ये बैठी है ना दोनों सामने, पूछ लो इनसे। मैं ऐसा क्यों करूंगी? माहिन बताओ, ऐसा हुआ था क्या? असद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इतना अरसा हो गया इस घर में रहते हुए, आंटी ने कभी ऐसा तो कुछ नहीं किया मेरे साथ। वैसे इनके और मेरे इख्तलाफात अपनी जगह, मैंने ऐसा कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया इन पे। हाँ सुन लिया? हाँ, अगर अब भी यकीन नहीं आ रहा ना तो कहो तो मैं कसम उठा लूं। मैंने आपसे कब कहा कि आप कसम उठाएं? नहीं नहीं, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना अपनी माँ की बात पर? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने आपको सिर्फ वो बताया जो रूमी ने कहा मुझे। हद होती है भाई झूठ की। मैंने उसे भी कह दिया था कि मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मैं तो कहती हूँ मुझे अभी लेकर चलो अपने साथ, जाकर मैं जरा उसकी माँ से पूछूं तो सही कि ये तरबियत की है उसने अपनी बेटी की। बस करो फहमीदा, अपने घर का तमाशा किसी और के घर में ले जाने की जरूरत नहीं है। आप ही बड़ी तरफदारी कर रहे थे उसकी, देख लिया कितनी तेज औरत है वो। अरे सच्ची झूठी लगाकर मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है वो। तेज ही तो नहीं है वो। आप अभी उसकी साइड ले रहे हैं? हाँ, मुझे वो मासूम और बहुत सीधी सादी बच्ची लगती है। देख लिया? अरे छोटी छोटी सी बात पर इस तरह नाश्ता छोड़कर चले जाते हैं। ये मैं ही हूँ जो तुम लोगों के बाप के साथ गुजारा कर लिया। अरे तुम दोनों जैसे शौहर तो नसीबों वालों को मिलते हैं बस। तुमने तो बहू होने का हक अदा कर दिया। मैं तो हमेशा से आपके साथ थी, पता नहीं आप मुझे अपना क्यों दुश्मन समझ रही थी। हाँ गलती हो गई मुझसे, और जिसे मैं मासूम समझती थी वो तो बला की चलाक निकली। मुझे तो उसका पहले दिन से पता था, और याद है मैंने आपसे कहा भी था कि वो असद भाई को लेकर अलग हो जाएगी, और ये सब करने के लिए वो असद भाई का दिल बुरा करेगी, और वो ऐसा कर रही है। खदशा तो मुझे भी था, लेकिन भाई एक बात मैं साफ साफ कहूंगी, नबील से तो कुछ होगा नहीं। घर का सारा बोझ तो इस असद ने उठा रखा है। अगर ये लड़की असद की जिंदगी में ज्यादा दिन टिक गई तो असद के दिल में हम नहीं रहेंगे फिर। इसलिए देखो माहिन, आपस की जो भी रंजिशें जो भी बुराइयां हैं उन्हें भुलाकर हमें इस लड़की को असद की जिंदगी से निकालना होगा। अगर ऐसा हम ना भी कर सके तो कम से कम उसके लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दें कि उन उलझनों से ये निकल ही ना सके। बेफिक्र रहें आप, हम इसे घर के कामों में इतना उलझा देंगे कि इसे कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। चलो, हमारी राय किसी मामले में तो एक हुई। अपनी बूटी तकदीर हो
अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ऐप अभी डाउनलोड करें।